बॉलीवुड के एक्शन कुमार यानी अक्षय कुमार की वाइफ और मिसेस फनी बोन्स के नाम से मशहूर अभिनेत्री से लेखिका बनी ट्विंकल खन्ना अपने बेबाक अंदाज के लिए अक्सर चर्चाओं में रहती हैं। जब भी कोई बड़ा मुद्दा होता है तो वो हमेशा अपनी राय जाहिर करती हैं। इस वजह से कभी कभार उन्हें ट्रोल का भी शिकार होना पड़ता है। हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी ही कुछ ट्वीट्स जो ट्विंकल ने किए हैं और उनके बाद वो सुर्खियों में छा गईं। पद्मावती विवाद। कुछ दिन पहले ही घोषणा की गई थी कि दीपिका पादुकोण का सिर कलम करने वाले को 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। ऐसे में ट्विंकल ने इस मुद्दे पर जमकर चुटकी ली। ट्विंकल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, देश ये जानना चाहता है कि 10 करोड़ पर भी GST लगेगा क्या। वैसे ट्विंकल, इस पर आपकी क्या राय है, लगना चाहिए या नहीं? ट्विंकल खन्ना ने मैगजीन के लिए फोटोशूट करवाया था जिसमें वो किताबों के ढेर पर बैठी नजर आ रही थी। इस फोटो को ट्वीट करने के बाद लोगों ने इस पर गुस्सा जताते हुए कमेंट किए कि किताबों पर जूते के साथ बैठने के लिए शर्म आनी चाहिए। एक अन्य यूजर ने लिखा, राइटर होकर किताबों की इज्जत करनी नहीं आती। ट्विंकल जी, तुम तो राइटर हो ही, किताबों की अहमियत तो तुम ही ज्यादा समझ सकती हो। कैप्शन #PadmanTalks रखकर ट्विंकल ने एक फोटो ट्वीट की थी, सैनिटरी पैड्स के ऊपर टैक्स लेकिन वायग्रा पर नहीं, क्योंकि ये पॉलिसी बनाने वाले 64 साल के होते हैं। वैसे ट्विंकल की ट्वीट देखकर कहीं सैनिटरी पैड्स का टैक्स बंद होकर वायग्रा पे ना लग जाए। राधे राधे। राधे माँ को पराक्रमी रूप में देखकर राहत मिली कि दुनिया अब पीटर और बोरा बोरा से विचलित हो गई है। वाह रे वाह ट्विंकल, क्या बात है। राम रहीम। ये हमारी गलती है कि ऐसे बाबा हमारे बीच पाए जाते हैं। हम ऐसे लोगों में सूर्य का प्रकाश ढूंढते हैं, लेकिन ये लोग हमें भ्रमित करते हैं। बाबा राम रहीम के लव चार्जर की बैटरी तो पूरी डाउन ही हो गई होगी। करवा चौथ के मौके पर भी ट्विंकल ने एक ट्वीट किया था जिसको लेकर भी उनकी खूब खिंचाई हुई थी। दीज डेज बाय 40 यू कुड बी ऑन द वे टू योर सेकंड मैरिज, सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ फास्टिंग, डोंट नीड द मैन टू लास्ट दैट लॉन्ग एनीमोर। ट्विंकल, कहीं तुम्हारा भी दूसरी शादी का इरादा तो नहीं है ना? टॉयलेट पार्ट 2। ट्विंकल ने एक आदमी की तस्वीर ट्वीट की जिसकी उन्होंने समुद्र के किनारे पॉटी करते हुए फोटो खींची थी। इसे लोगों ने उस व्यक्ति की पर्सनल अधिकारों का हनन करने का जिम्मेदार माना। ये तो टू मच ही हो गया, अगली बार कोई भी किधर भी जाओ ध्यान रखना ट्विंकल फोटो ना खींच ले। ट्विंकल फोटो खींच के आपको फेमस कर सकती है। मलिका दुआ और अक्षय कुमार कंट्रोवर्सी। अक्षय कुमार ने एक शो में मलिका दुआ के घंटी बजाने के बारे में एक कमेंट कर दिया था। इसके बाद ट्विंकल ने मलिका और उनके पिता विनोद दुआ पर बहुत भद्दे जोक्स लिखे थे, जैसे व्हाट इज अक्षय कुमार्स फेवरेट कार, बैलगाड़ी, और जैसे व्हाई डिड अक्षय कुमार गो टू द मॉस्क, ही वांटेड टू हियर सम दुआज। अक्षय ने तो बात घंटी बजाने की करी थी, यहाँ ट्विंकल ने तो सीधे बैलगाड़ी ही चला दी। ट्विंकल खन्ना ने अपने आर्टिकल में सलमान खान को मोस्ट एलिजिबल बैचलर कहते हुए उनका मजाक उड़ाया था, लेकिन इसके बाद उन्हें काफी ट्रोल किया गया। लेकिन ट्विंकल ने सलमान के फैंस का मजाक उड़ाना नहीं छोड़ा। ट्विंकल ने लिखा, टू ऑल द भाई फैंस मैरी क्रिसमस। सलमान भाई के फैंस जरा बच के रहना, ट्विंकल तो खिलाड़ी की वाइफ है, डरती नहीं है किसी से। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर भी ट्विंकल ने ये मजेदार सा ट्वीट किया था, अ मैन सेज वेयर आर यू गोइंग, फेड अप वाइफ रिप्लाइज डोंट हैव टू टेल यू, राइट टू प्राइवेसी नाउ, मैन रिप्लाइज तलाक तलाक तलाक, देन द वाइफ सेज टू लेट टू लेट टू लेट। इसे बोलते हैं मौके पे चौका। आप मिसेस फनी बोन्स या ट्विंकल से प्यार करें या नफरत, पर आप इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।